वर्तमान कलयुग कब आरंभ हुआ है, इस प्रश्न के दो विभिन्न उत्तर हैं। ऐतिहासिक ब्राह्मण के अनुसार इसका आरंभ वैवस्वत मनु के पुत्र नाभ निदिष्ट से होता है। पुराणों के अनुसार यह महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण के देहांत पर आरंभ हुआ। समय निर्धारण में पहले डॉक्टर श्याम शास्त्री का कथन है कि कलयुग ईसा से 3101 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। दूसरा अनुमान गोपाल अय्यर ने गणना करके बताया कि उसके अनुसार महाभारत युद्ध 14 अक्टूबर 1194 ईसा पूर्व को आरंभ होकर 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। उनका कहना है कृष्ण का देहांत युद्ध समाप्ति के 16 वर्ष पश्चात हुआ। उनका अनुमान इस बात पर आधारित है कि जब परीक्षित का राज तिलक हुआ तो उनकी आयु 16 वर्ष थी और पांडव उन्हें परीक्षित का राज तिलक करते ही महाप्रस्थान किया था। राज तिलक उसी दिन हुआ जिस दिन कृष्ण का देहांत हुआ था। इससे वह समय 1177 ईसा पूर्व बैठता है जब से कलयुग आरंभ हुआ। इस प्रकार कलयुग के आरंभ के विषय में हमारे पक्ष दो तिथियां हैं, 3101 ईसा पूर्व और 1177 ईसा पूर्व। कलयुग के संबंध में यह प्रथम पहेली है। कलयुग के आरंभ के समय में दो भिन्न तिथियां दी गई हैं, जिनमें बहुत बड़ा कालांतर है। एक व्याख्या कहते हैं कि 3100 ईसा पूर्व कल्प परिवर्तन की तिथि है, न कि कलि के आरंभ और न नकल करने वाले की गलती है जिसने कल्प को कलि पढ़ लिया और भ्रांति पैदा कर दी। दूसरी व्याख्या डॉक्टर श्याम शास्त्री ने दी है, उनके अनुसार कलयुग 2-1 वह जो 3101 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और दूसरा 1260 अथवा 1240 में आरंभ हुआ। पहला कलयुग 1840 अथवा 1860 वर्ष रहा और समाप्त हो गया। तीसरा है कलयुग समाप्त कब हुआ है। इस प्रश्न पर महान भारतीय ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य ने अपने सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, जहां वे कहते हैं कि अशोक के चौथा उत्तराधिकारी मौर्य शासक ने निम्न प्रकार से अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। तब दृष्ट यूनानी योद्धा साकेत पांचाल और मथुरा को रौते हुए कुसुम ध्वज अर्थात पटना पहुंचेंगे। तब पुष्पुर विजयोपरांत निसंदेह सभी प्रांतों में अव्यवस्था होगी। अपराजय यवन मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे, उनके मध्य परस्पर दहशतपूर्ण और भयानक युद्ध होगा। तब यूनानियों के विनाश के पश्चात युग की समाप्ति पर 7 शक्तिशाली राजा अवध पर शासन करेंगे। शब्द महत्वपूर्ण शब्द है यूनानियों के विनाश के पश्चात युग की समाप्ति पर। इन शब्दों से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, पहला गर्ग के दिमाग में कौन सा युग था और दूसरा भारत में यूनानियों की पराजय कब हुई। इन प्रश्नों के उत्तर में कोई संदेश नहीं, युग से इनका आशय है कलयुग और यूनानी भारत में 165 ईसा पूर्व में पराजित हुए। यह कोई अटकल बाजी नहीं है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 188 और 190 में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंत में बर्बर शक यवन बाहलिक और अन्य जातीय भारत वर्ष को रौंद डालेंगी। इन दोनों कथनों का यह परिणाम निकलता है कलयुग 165 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। इससे निष्कर्ष का बल प्रदान करने के लिए एक तर्क और है। महाभारत के अनुसार कलयुग का समय 1000 वर्ष था। यदि हम स्वीकार करें कि कलयुग 1171 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था, इससे यह 1000 वर्ष घटा दे तो कलयुग 171 ईसा पूर्व में होना चाहिए, जो गर्ग द्वारा दिए गए ऐतिहासिक तथ्यों से बहुत दूर भी नहीं है। इस बात में कोई संदेश नहीं रह जाना चाहिए कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य के विचार से कलयुग 165 ईसा पूर्व में समाप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था, परंतु स्थिति क्या है। वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार कलयुग समाप्त नहीं हुआ है, यह जारी है। यह उस संकल्प सबसे स्पष्ट है जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में प्रत्येक हिंदू आज भी दोहराता है। वह संकल्प इस प्रकार है, इस शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में प्रथम ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में जो श्वेत बारह कल्प कहलाता है, वह कलयुग में वैवस्वत मनु के काल में भारत देश के जम्बूद्वीप भरत खंड में 60 वर्ष के वर्ष चक्र में जो प्रातः से आरंभ होकर 6 और अक्षय पर समाप्त होता है, जिसे विष्णु की आज्ञा से अमुक वर्ष दक्षिणी और उत्तरी अयन में अमुक शुक्ल या कृष्ण पक्ष अमुक तिथि को मैं अमुक अर्थात नाम अनुष्ठान के उद्देश्य परम पिता के नाम पर संकल्प करता हूँ। हमारे समझ प्रश्न यह है कि वैदिक ब्राह्मण कलयुग को क्यों जारी रखना चाहते हैं, जबकि ज्योतिषाचार्य का अनुसार वह बीत चुका है। पहली बात यह देखनी है कि कलयुग का मूल समय क्या है। विष्णु पुराण के अनुसार कृतयुग 4000 वर्ष का है, त्रेता 3000 वर्ष का है, द्वापर 2000 वर्ष का, कलयुग 1000 वर्ष का, ऐसा उनका कथन है। कि जो भूतकाल को जानते हैं इस प्रकार वास्तविकता यह है कि कलयुग केवल 1000 वर्ष का होता है। यह स्पष्ट है कि वे वैदिक ब्राह्मणों तक की गणना के अनुसार कलयुग कब का बीत चुका है, परंतु अभी तक नहीं बीता है। कारण क्या है, यह स्पष्ट है कि कलयुग जितने समय का होना चाहिए
उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। यह दो प्रकार से हुआ। पहली बात यह कि इसके आदि और अंत को दो समय से जोड़ दिया गया, संध्या और संध्यास। यह बात विष्णु पुराण में उपरोक्त प्रसंग में कही गई, जो इस प्रकार है। युग आरंभ होने से पूर्व का काल संध्या कहलाता है और जो युग समाप्ति से पूर्व आता है वह संध्यास्य कहलाता है। इसकी अवधि भी उतनी ही होती है। संध्या और संध्यास के मध्य के काल युग कहलाते हैं, कृत, त्रेता आदि। संध्या और संध्यास की अवधि कितनी होती है? क्या यह प्रत्येक युग के समय अलग अलग थी? संध्या और संध्यास की अवधि समान नहीं थी, प्रत्येक युग के साथ उनकी अवधि भिन्न है। निम्नागत तालिका में चार युगों और संध्या तथा संध्या की अवधि दी गई है। कलयुग की आयु 1000 वर्ष बताए जाने के बावजूद आज तक विद्वान है। संध्या और संध्यास को जोड़कर इसका काल 1200 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक नया अनुसंधान कर दिया गया। उनका कहना है कि योगों की जो अवधि नियत की गई है वह देवताओं के वर्ष के अनुसार है, मानव वर्षों की तरह नहीं। वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं का एक दिन धरती के एक वर्ष के बराबर है। इस पर कलयुग का समय जो 1000 वर्ष था और 200 वर्ष बढ़ा दिया और संध्या और संध्यास मिलाकर 1200 वर्ष बैठता है, अब वह हो गया 1200 × 360 अर्थात 432000 वर्ष। जिस कलयुग की समाप्ति की घोषणा 165 ईसा पूर्व कर देनी चाहिए थी और जैसा कि ज्योतिषाचार्य ने गणना की थी, इस प्रकार वैदिक ब्राह्मणों ने दो प्रकार से उसकी अवधि 4032 वर्ष कर दी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कलयुग अब भी चालू और लाखों वर्ष तक चलता रहे, कलयुग का अंत ही नहीं होगा। दोस्तों आप वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। आज हमने आपके सामने कलयुग, त्रेता, द्वापर युग के बारे में चर्चा की है। आप इसी क्रम में आप क्या जानना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो अनलाइक करें, और किस वजह से बुरा लगा या क्या चीज कमी रह गई उस चीज को आप कमेंट्स में कृपया करके बताएं, क्योंकि मैं आप ही के लिए ये सब चीज कर रहा हूँ, तो आपसे आपकी कमेंट्स की आवश्यकता है। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।